मिशन प्रेरणा के अंतर्गत चल रहे विद्यालय विकास नेतृत्व कार्यक्रम में काम करती हूँ और उसी पे आगे की कार्य योजना जो है हमारी इस गत वर्ष की उसके बारे में चर्चा करूंगी। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक कहानी के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि क्यों विकास जरूरी है, नेतृत्व का विकास जरूरी है तथा प्रोत्साहन मनोबल क्यों जरूरी है, उस पे बात मैं अपनी कहानी के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि एक व्यक्ति होता है जो गुब्बारा बेच रहा होता है और जब भी उसके बहुत प्रकार के गुब्बारे होते हैं उसके पास, रंग बिरंगे, हरे, नीले, लाल, गुलाबी। पर जब भी वह उसके गुब्बारे की बिक्री कम हो जाती है तो वो क्या करता है, वो हीलियम से भरे हुए जो गुब्बारे, हवा गैस से भरे हुए जो गुब्बारे हैं उसको एक हवा में छोड़ देता है, उसको आसमान की ओर छोड़ देता है, जिससे कि बच्चे जो हैं उससे प्रभावित होकर उसे देखकर उसके पास आते हैं और उसके साथ ही उसके गुब्बारे की बिक्री भी बढ़ जाती है। ऐसा ही वो हमेशा करता था। एक बार की बात है कि एक बच्चा जो है बहुत ही गौर से देखता हुआ उस व्यक्ति को वहां खड़ा होता है और पूछता है, जिज्ञासा बस पूछता है कि क्या अगर काले रंग का गुब्बारा भी ऐसे ही हवा में छोड़ा जाए तो वो ऊपर चला जाएगा। तो उस व्यक्ति का जवाब सुनिए। वो व्यक्ति कहता है कि ये गुब्बारे का रंग नहीं है जो उसको आसमान में ऊपर उछाल रहा है या ऊपर पहुंचा रहा है, ये उस गुब्बारे के अंदर भीतर भीतर भरी हुई हवा है जो उसको ऊपर उठाए रही है, उठा रही है और आगे बढ़ा रही है। ये दोनों ही ये सेम चीज, ये एकदम समान चीज हमारे जीवन में भी लागू होती है कि ये हमारे भीतर जो हमारा मनोबल है, हमारा जो प्रोत्साहन है और जो हमारे आगे बढ़ने की ललक है वो हमें आगे बढ़ाए रहती है, ना कि हमारी पदवी, ना हमारा वेशभूषा, ना हमारा रंग रूप है जो हमें आगे बढ़ाता है। इसी सोच के साथ, इसी विश्वास के साथ हम विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम में काम कर रहे हैं। उसमें कैसे सभी एकजुट होकर, एक साथ मिलकर हम मिशन प्रेरणा को, प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर सके, उसी पे आगे पथ पर चल रहे हैं। विद्यालय विकास नेतृत्व कार्यक्रम में हम मूलतः पांच बिंदुओं पर काम करते हैं। आगे इसकी स्लाइड हम बढ़ सकते हैं। पांच बिंदुओं पर हम काम करते हैं जिससे कि सतत विद्यालय की क्षमता वर्धन हो, पीयर लर्निंग आधारित क्षमता वर्धन हो तथा शिक्षण अधिगम को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए उस पर काम करते हैं। स्वयं का विकास करते तथा संगठन को कैसे निर्माण का कैसे निर्माण कर सकते हैं उस पर कार्य करते हैं। जूही, मेरी आवाज आ रही है तो हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चल सकते हैं। जी, जैसा मैंने बताया कि हम पांच विद्यालय के नेतृत्व के पांच स्तंभ पर काम कर रहे हैं, समाधान, स्वयं, संगठन, समुदाय और शिक्षा, कि हम शिक्षण अधिगम को सुदृढ़ बनाते हैं तथा पीयर लर्निंग के साथ हम आधारित क्षमता वर्धन कैसे कर रहे हैं, साथ ही स्वयं का विकास करते हुए हम कैसे बढ़ रहे हैं। आगे जानते हैं कि हम विद्यालय विकास नेतृत्व कार्यक्रम में क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्या क्या हमारी कार्य योजनाएं हैं गत वर्ष में। आगे बढ़ते हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड। जी, ये कुछ कार्य योजनाएं, कुछ हमारे कार्यक्रम हमने निर्धारित किए हैं आगे बढ़ने में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फ लर्निंग कोर्सेस, दीक्षा पर होने वाले सेल्फ लर्निंग कोर्सेस, यूट्यूब लाइव, मिशन मंगल एक नया रोचक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हम बीओस के साथ एक बैठक करते हैं मंगलवार को, जिसमें हम उनकी समस्याओं को और उनके प्रोत्साहन को आगे बढ़ाने पे कार्य करते हैं। तथा ही उसी के साथ साथ आगे और जानेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि बीओएसटी बैठक है, प्रोजेक्ट्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, कार्यशालाएं हैं, एसटी किट है जिसपे हम काम कर रहे हैं जो सभी तक पहुंचाया जाएगा, हेड टीचर्स का किट एक बनाया जा रहा है, प्रेरक एसटी ऑफ द ब्लॉक करके एक कंपटीशन कह सकते हैं, एक कंपटीशन प्रतियोगिता है जिससे हम हर एक ब्लॉक से प्रेरक एसटी हेड टीचर्स को चुनेंगे। उसी प्रकार और भी कई कार्यक्रम है, जैसे एक्सपोजर विजिट है और कार्यशालाएं जी, जैसे मैंने बताया कि YouTube लाइव एक मासिक बैठक है जिसमें पूरे महीने भर हो रहे कार्यक्रम
के बारे में चर्चा की जाती है, विभागीय कार्यक्रम के बारे में चर्चा की जाती है तथा एक ऐसा स्थान है, ऐसा बड़े बड़े एडुकेशनलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके माध्यम से उनकी एक्सपीरियंसेस, उनके नॉलेज को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि BOST बैठक एक कार्यक्रम है जो आपके साथ हम जो शुरू की जा रही है, जो मासिक बैठक कार्यक्रम है, जहाँ पर सभी BOs, हेड टीचर्स, ARPs, डाइट मेंटर के साथ एक बैठक करें। चूंकि अभी ऑफलाइन ये बैठक हो पाना मुमकिन नहीं है अभी की परिस्थिति को देखते हुए, तो अभी इसको ऑफलाइन ना करके ऑनलाइन करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी को एक सीखने सिखाने का एक स्थान प्राप्त हो तथा हम जो भी अपने क्षेत्र में अपने कार्य को कर रहे हैं, हम अपने सर्वोत्तम कार्य को एक दूसरे से साझा कर पाए और उसी के साथ साथ विभागीय और मिशन प्रेरणा की जो गतिविधियां हैं उस पे अपडेट ले पाए, उसकी आगे की कार्य योजना बना पाए, ये इस बैठक का मेन उद्देश्य रहेगा। इस बैठक को करीब दो भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चल सकते हैं। दो भागों में बांटा गया है क्योंकि एक बार में ऑनलाइन बैठक करा पाना मुश्किल होगा, तो इसे दो भागों में बांटा गया है। ढाई ढाई घंटे की दो भागों में इसे किया जाएगा, जिसमें हम जिसके अंतर्गत हम जितनी भी गतिविधियां संचालित हो रही हैं विभाग की तरफ से मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, उसके ऊपर प्रगति समीक्षा और आगे की कार्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे, आगे की कार्य योजना बनाएंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम जिन विषयों पर काम कर रहे हैं, जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी, जो कि है समर्थ कार्यक्रम है, शारदा प्रोग्राम है और मिशन प्रेरणा से अंतर्गत ई पाठशाला, ई मेंटरिंग, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया जूही और आनंद पांडे जी के द्वारा, तो उसी सब चीजों पर चर्चा की जाएगी, आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। जी आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि ये प्रत्येक 2.5 घंटे पर होगा और इसका एजेंडा एक सैंपल आप सभी को साझा कर दिया जाएगा और ये आयोजित किया जाएगा ऑनलाइन, और जून के महीने में ये मासिक बैठक होगी। जून के महीने से इसकी शुरुआत की जाएगी, आगे अंतिम सप्ताह या जो जो भी निर्धारित किया जाएगा उस सप्ताह में बैठक होना है। जी आगे बढ़ते हैं। जैसा मैं बता रही थी आपको कि हम जिन चीजों पर काम करें उसमें से एक का एक्सपोजर विजिट है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक से एक हेड टीचर को चुना जाएगा और उस हेड टीचर को मौका दिया जाएगा कि वो बाहर दूसरे जगहों पर जाएं, दूसरे शैक्षणिक स्थानों पर जाएं, जहां पर वो नई चीजें जो हो रही हैं शिक्षा विभाग में, शिक्षा के क्षेत्र में, उनको जान पाए तथा उन चुनौतियों को, सफलताओं को समझ पाए, एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव को साझा कर पाए, साथ ही साथ ये भी सीख पाए कि उन अनुभवों को, उन चुनौतियों को, उन समस्याओं को, उन सफलताओं को हम अपने क्षेत्र में कैसे लेके आ रहे हैं। इस सब चीजों को इस सब चीजों को प्रदान करने का मौका दिया जाएगा एक्सपोजर विजिट में, जो दूसरे दूसरे राज्य में जाने का मौका मिलेगा उनको, तो एक्सपोजर विजिट में ये है। आगे आप देखेंगे कि दीक्षा पर जो सेल्फ लर्निंग कोर्सेज हैं, सर्वाधिगम पाठ्यक्रम है जिसपे काम किया जा रहा है, जिसमें अभी आप देखिएगा कि सभी को कोर्सेज दिए जाते हैं दीक्षा पर, नेतृत्व विकास से संबंधित कोर्सेज भेजे जाते हैं द्वारा। जैसे आप देखेंगे कि प्रेरक प्रेरणा लक्ष्य की ओर योजना बनाने का एक कोर्स भेजा गया था, ज्ञानोत्सव पे एक कोर्स हुआ था, उसी प्रकार अभी एक छठा कोर्स जो है बन रहा है टीचर मोटिवेशन पर, तो दीक्षा पर ये स्वाधिगम पाठ्यक्रम है, दो कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने अपने शिक्षा को और शिक्षा में और वृद्धि ला सके, अपनी क्षमताओं को और बेहतर बना सके, तो दीक्षा पर ये कोर्सेज हैं। आगे आप देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे आप देखेंगे जैसे मैंने बताया था कि एक कार्यक्रम प्रेरक एसटी ऑफ द ब्लॉक, जिसमें एक नवाचार या जो भी नवाचार किया है टीचर्स ने अपने स्कूलों में, जो भी परियोजनाएं पर काम किया है, एक अलग बदलाव, एक अलग माहौल स्थापित किया है, उन प्रेरक हेड टीचर्स को हम प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने का एक एक कार्यक्रम है ये, जिसमें उनके सर्वोत्तम प्रैक्टिसेस जो है उनको सभी तक साझा किया जाएगा, उस नवाचारों को सभी तक पहुंचाया जाएगा, ताकि एक दूसरे से सीखने का एक एक दूसरे से सीखने का महत्व, एक दूसरे से सीखने का एक माध्यम बन पाए,
और स्कूलों में हो रहे नवाचारों को प्रोत्साहन मिल पाए तथा जो भी अन्य अनुभव लोगों के रहे हैं और जो भी नए प्रयास और नए पहल नई चीजें जिन्होंने अपने स्कूलों में करी हैं उनको एक मौका मिल पाए, इस पर आधारित ये कार्यक्रम है जिससे कि हम प्रेरक हेड टीचर्स बना पाएंगे। प्रेरक हेड टीचर्स को पुरस्कृत किया जाएगा तथा सभी को उनसे प्रेरणा मिल पाएगी इस पर आधारित एक कार्यक्रम। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पुरस्कार भी की भी व्यवस्था बनाई गई है। जैसे जो भी पुरस्कृत होंगे, जो भी प्रत्येक ब्लॉक से एक हेड टीचर चुने जाएंगे उनको नगद पुरस्कार भी मिलेगा तथा उत्तर प्रदेश विभाग से एक ट्रॉफी मिलेगी और एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। तो ये कुछ पुरस्कार हैं जो प्रेरक है टीचर को मिलेंगे इसमें। आगे आप देखेंगे कि एक बैठक और भी होती है, कार्यशालाओं का भी हमने आयोजन किया है। तो बीओस के साथ एक कार्यशालाओं का भी आयोजन रहता है जिससे कि नेतृत्व जो है उसका विकास जो है बढ़ता रहे और हम एक दूसरे के साथ सीखते और बढ़ते रहें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, इन्हीं सब चीजों पे कार्यक्रम जो हम चला रहे हैं और मिशन प्रेरणा पे जो सारी चीजें चल रही हैं जिससे कि हम प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर पाए, उसी सब चीजों में से आप सभी एआरपी और डाइट मेंटर से हमारी अपेक्षाएं हैं कि जो भी चीजें आप तक पहुंच रही हैं उनका आप सबसे ज्यादा लाभ उठाएं, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें। जो भी चीजें आप तक जो भी कार्यक्रम आप तक पहुंच रहे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि आप सभी मिशन प्रेरणा में अव्वल दर्जे से सफलता प्राप्त कर सके तथा जो भी बैठकें होने वाली हैं और एसएलडीपी जो विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम है उसमें जो भी चीजें कार्यक्रम चल रही हैं उसमें अपनी प्रतिभागी अपना अपनी जो है क्या कहते हैं उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा पूर्ण सहयोग दें जिससे कि हम सभी आपके साथ मिलकर और आपके सहयोग से ही हम मिशन प्रेरणा को हासिल करें, प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करें। इसी पॉजिटिव नोट पर मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करना चाहूंगी और